तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने कस्टम डोमेन को, मतलब जो डोमेन आपने लिया है कहीं से भी या गोडैडी से या किसी और वेबसाइट से, उसको आप ब्लॉगर के पेज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कह लीजिए फ्री में होस्टिंग कैसे ले सकते हैं अपने डोमेन के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ब्लॉगर पर आप लॉग इन कर लीजिए। ब्लॉगर पर लॉग इन करने के बाद मैं यहाँ पर एक नया ब्लॉग बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं न्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का, मतलब अपने डोमेन का नाम दे देता हूँ tech2nest.com, और नीचे आपको भी कुछ भी एड्रेस दे दीजिए डोमेन में, अभी xyz जो भी एड्रेस आप दे दीजिए क्योंकि इसको हम लोग कस्टम डोमेन में चेंज करने वाले हैं। उसके बाद आप क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करिए, और क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसको आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है बाय अ न्यू डोमेन। तो हमारे पास डोमेन नहीं है, सॉरी, अगर हमारे पास डोमेन है गोडैडी का तो हम लोग को क्लिक करना है सेटअप अ थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना डोमेन टाइप कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पर अपने ये जो डोमेन है tech2nest.com, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आपको इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेंगे ये हॉस्ट दिखेंगे और ये डेस्टिनेशन दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर दो हॉस्ट हैं, दो डेस्टिनेशन है, तो इसी को हम लोग को अपने अब गोडैडी पैनल पे सेट करना है। तो आप अपने गोडैडी पर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पर आप माय प्रोडक्ट्स पर आ जाइए। माय प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट वहाँ से लिए हैं, जैसे मैंने ये डोमेन लिए हैं तो मुझे ये tech2nest.com का सेट करना है, तो मैं इसके DNS पर क्लिक करता हूँ। DNS पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये पेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दो CNAME रिकॉर्ड बनाने हैं और चार A रिकॉर्ड बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों आप नया बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मेरा जो बना हुआ है CNAME रिकॉर्ड, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप अपने ब्लॉगर पर आइए। तो ये जो आपका हॉस्ट है इसको आप कॉपी कर लीजिए, और ये हॉस्ट आपका चलिए यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ऑलरेडी www था। और उसके बाद हमको क्या करना है, ये डेस्टिनेशन को कॉपी करना है और ये points2 में पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो आपको TTL दिख रहा है, TTL में आपको कस्टम सेलेक्ट कर लेना है और सेकेंड्स में आपको टाइप कर देना है 144000, और यहाँ पर सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा CNAME रिकॉर्ड है उसको भी मैं एडिट करता हूँ वापस अपने ब्लॉगर पे जाके। ये हॉस्ट सेकेंड हॉस्ट है उसको आप कॉपी करके यहाँ हॉस्ट में पेस्ट कर दीजिए, और ये जो हमारी डेस्टिनेशन है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ points2 में Ctrl+A डिलीट करके वो डेस्टिनेशन को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर TTL में फिर से आपको कस्टम लेके और यहाँ पर करना होगा 144000, और ये सेव कर देना होगा। अब हम लोग को यहाँ पर चार A रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड पर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है A। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपने ब्लॉगर पे आ जाना है। ब्लॉगर पे आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सेटिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। CNAME बनाने के बाद आप सेटिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करिए। मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और सेटिंग इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखिए चार IP एड्रेस मिलेगी, तो यही आपके A रिकॉर्ड्स बनाएगी। तो इस IP रिकॉर्ड को, इसको IP एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके हॉस्ट में हम लोग लिखेंगे @ और points2 में इस IP को हम लोग पेस्ट कर देंगे, और TTL में वापस आपको वही कस्टम करके 144000। इसी तरीके से आपको चार A रिकॉर्ड्स बनाने हैं। एक बन गया, सेकंड बनाते हैं हम। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है A, हॉस्ट में आपको लिख देना है @, और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे अब सेकंड IP। सेकेंड IP को कॉपी करके points2 में आप पेस्ट कर दीजिए। 1 hour को फिर से हम कस्टम करेंगे और यहाँ पर करेंगे 144000 और सेव। अगेन थर्ड, तो आपको सब में इसको @ ही रखना है, और उसके बाद points2 में आप उस IP को पेस्ट कर दीजिए। फिर से यहाँ कस्टम, और यहाँ करेंगे 144000, और यहाँ सेव पर क्लिक करना है।
और एक रिकॉर्ड हमें अभी और बनाना है, तो हम लोग फिर से यहाँ आ जाते हैं और ये हमारी फोर्थ वाली और आईपी को कॉपी कर लेते हैं। टाइप में कर देंगे हम लोग ए होस्ट में एट द रेट आईपी, यहाँ पर हम पॉइंट्स टू में पेस्ट कर देंगे और वन आवर में वापस हमको कस्टम सेलेक्ट करके 144000 और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आ जाना है अपने वापस ब्लॉगर पे और यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। और सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप एडिट पर क्लिक करिए और ये जो रिडायरेक्ट tech2nest.com दिखा रहा है इस पर इसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए। और दोस्तों ये कम्प्लीटली प्रोसेस आपकी डन हो चुकी है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि हमारा पेज अभी कैसे दिख रहा है, लेकिन अभी हमारा पेज खाली दिखेगा क्योंकि हमने इस पर कुछ डाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ब्लॉगर का पेज tech2nest.com से कनेक्ट हो चुका है। नीचे देख सकते हैं आप blogger.com। अगर आपको अब इस पेज में कुछ डालना है तो आप अपने ब्लॉगर में जाके डाल सकते हैं। आप इसमें थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। चलिए मैं थीम में चले जाता हूँ और यहाँ से कोई भी एक थीम ले लेता हूँ। अप्लाई टू ब्लॉग, थीम को ब्लॉग पे मैंने अप्लाई कर दिया है। नीचे मैं रिवर्स टू क्लासिक थीम कर लेता हूँ, फिर से इसको मैं रिवर्स टू क्लासिक थीम कर लेता हूँ और ये मैंने कुछ कोड रखे हैं उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जो कि एक सॉरी वो कोड भी यहाँ पर हट चुके हैं। तो यहाँ पर आप भाई जो भी कोड आपके पास हो HTML के उसको आप पेस्ट करके अपने ब्लॉगर पे शो करवा सकते हैं। आपने किसी वेबसाइट की डिज़ाइन चाहिए जो भी, देखिए मैंने रिफ़्रेश किया और जो मैंने थीम सेलेक्ट की थी तो वो थीम यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो दोस्तों बस इस तरीके से आपको सेट करना है अपने GoDaddy या फिर कहीं के भी डोमेन को ब्लॉगर से। बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।